हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हनी सिंह से। तो हनी सिंह की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी जिसमें वो एक बार फिर से बादशाह को पोक कर देता है। तो बादशाह का जो मोरनी ट्रैक आउट हुआ है उसकी एक रील शेयर करते हैं हनी सिंह अपनी स्टोरी में, जिसमें बताया गया था कि मोरनी ट्रैक जो है वो कॉपी करा गया है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक फोक सॉन्ग का रीमेक है। तो इस रील में ये भी बताया गया था कि इसका कॉन्सेप्ट जो है, वीडियो कॉन्सेप्ट, उसकी भी कुछ चीजें कॉपी करी गई है, पर उसको इंस्पिरेशन कह सकता है। तो हनी सिंह इसको शेयर करके कहता है, जाली तकदीर लिखवा लो भाइयों, सच अ यूनिक टैलेंट। तो ऐसे कॉपी वाली तो कुछ चीज है नहीं इसमें, बट स्टिल क्या कहना है आप लोग इसके बारे में बताना जरा। और क्या लगता है आप लोगों को, यह हनी सिंह ने स्टोरी डाली है या फिर उनके मैनेजमेंट ने। खैर अब बात कर लेते हैं MTV हसल के बारे में। प्रिंस नरूला जो है वो रिएक्ट करता है लश्करी पे, और उनका जो कल का परफॉर्मेंस था वो देखने के बाद वो थोड़े इमोशनल होता है और एक स्टोरी डालता है। इसके अलावा आज के एपिसोड में पैंथर देखने को मिले थे, तो काफी लोग एक्साइटेड थे इस एंट्री के लिए, क्योंकि लश्करी ने पास्ट में पैंथर को डिस करा हुआ है। तो काफी लोग एक्साइटेड थे कि आमने सामने जब ये होंगे तो क्या होगा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, पैंथर अपना परफॉर्मेंस देता है, शो को अप्रिशिएट करते हैं और चले जाता है। खैर इसके अलावा रफ्तार जो है वो काफी गुस्सा दिखे मैट ट्रिप के ऊपर, क्योंकि आज वो फिर फंबल कर जाता है। तो आप लोग को पता होगा लास्ट वीक भी मैट ट्रिप ने फंबल कर दिया था, तो उस समय तो वो बच गए थे, इस बार भी वो बच ही गए, लेकिन जजेस काफी नाराज दिखे उनपे क्योंकि उनको कंटिन्यूस मौके मिले जा रहे हैं पर शायद वो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा है। बाकी मैट ट्रिप भी उनकी परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। और हाँ, इस वीक एलिमिनेट हो चुके हैं रज्जो, दानिश और रज्जो के बीच था बैटल वर्स, जिसमें दानिश जीत जाता है और रज्जो हो जाता है शो से एलिमिनेट। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीनो जेम्स को ट्रोल और हेट करा जा रहा है अभी उनके वो स्टेटमेंट के बाद से कि रफ्तार, इक्का और मैं जो है वो सेम लेवल पे है। तो काफी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं इस चीज के लिए। खैर डीनो जेम्स की तरफ से एक पोस्ट आती है जिसमें वो अपनी एल्बम अनाउंस कर देता है, तो देखते हैं कब तक ये देखने को मिलती है। खैर अब बात कर लेते हैं उमर के बारे में। तो उमर जो है वो इस साल एक और एल्बम लेके आने वाला है, तो वो एक स्टोरी डालता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि मास अपील जो है वो अभी पाकिस्तान भी जा चुका है, तो मे बी ये एल्बम जो है वो मास अपील से ही देखने को मिले। खैर इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।